फिर जाके असी वीजे दिखाइए, वो भी ओरिजिनल वीजे जो पासपोर्ट पर लगे है, फोटो कॉपियां की गल नहीं करता, या जिन्होंने दुकाना खोलिया हुई पुरानिया। अब सारे ही बंद वाइट पेपर से वीजा दिखाई जाते हैं, क्योंकि एक वीजे दी फोटो कॉपियां 100 कर लो, उत्थे वीजे नहीं आते, उत्थे गल्लां ही आउंदियां। किसी को 3 लाख का मिलता पैसे, उन्हें मार्केट से अपना बोर्ड ला के 3.5-4 लाख का करता। अपना पसंदीदा शो लैके राव प्रदेशा नूं ते अज साडे नाल गलबात करन लई साडे विच मौजूद ने एस पी साहब, ओ वाले एस पी साहब नहीं, सुप्रीत सिंह जी। ते असीं बहुत बहुत स्वागत करदे हां वी एस एस इमीग्रेशन तो सुप्रीत सिंह जी दा। सर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, मेरे वल्लों ते मेरी प्यारी टीम वल्लों तमाम श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। सर जी, सब तो पहला सवाल, यूक्रेन क्यों विक रहा धड़ाधड़? बेसिकली मैडम, मैं पहला दस दवां कि यूक्रेन दे बाजू जिहड़ा सानू एक किताब मिलिया गया यूक्रेन एक्सपर्ट का, उहदे रिगार्डिंग ही सारियां गल्लां करनियां, क्योंकि जिहड़ी भी चीज़ मार्केट दे विच आउंदी है ना, उहनू जे आपां ग्राउंड फ्लोर तों लै के शुरू करिए, जे आपां रिसर्च शुरू करिए, रिसर्च लै के साडे हत्थां दे विच जिहड़ियां चीज़ां होण, फिर मार्केट दे विच आईए, फिर बच्चों नूं दसीए जां बच्चों दे मां-प्यो नूं दसीए, फिर जाके असीं वीज़े दिखाईए, वह भी ओरिजिनल वीज़े जिहड़े पासपोर्ट ते लगे है, फोटो कॉपियां की गल नहीं करदा। अज तमाम मार्केट के एजेंट बैठे है या कंसल्टेंट बैठे है, या जिन्होंने दुकाना खोलिया हुई पुरानिया, अज सारे ही बंदे वाइट पेपर से वीजा दिखाई जाते हैं, क्योंकि एक वीजे दी फोटो कॉपियां 100 कर लो, उत्थे वीजे नहीं आते, उत्थे गल्लां ही आउंदियां। सो यूक्रेन की जिहड़ी गल है, यूक्रेन धड़ाधड़ क्यों विकदा पिया, हरेक बंदे नूं यूक्रेन का जिहड़ा स्वाद चस्का पै गया होया, बट जिहड़ी इनफॉर्मेशन जिहड़ी यूक्रेन की मिलनी सी या जिन्हों लैनी चाहिए सी, वह श्वेता जी मैं दसना चाहुंदा कि अज मार्केट च जिहड़े तमाम एजेंट आ ना, उन्होंने सुनिया सुनिया गल्लां तों यूक्रेन नूं अगे अगे प्रमोट करना शुरू करता। सो धड़ाधड़ इस करके विकदा पे, इहदी डेफिनेशन दस देना कि किसी नूं 3 लाख का मिलता पाया, उन्हें मार्केट च अपना बोर्ड ला के 3.5-4 लाख का करता। सो धड़ाधड़ का यह मतलब है, होर कुछ नहीं है, क्योंकि जो धड़ाधड़ चो 70% कंसल्टेंट मैं दस देवां जिन्हां दे कोल अज यूक्रेन की जिहड़ी पुख्ता नॉलेज आ, जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ, क्योंकि ये मैं सारियां गल्लां अपने फेसबुक लाइव ते भी दसदा, इंस्टाग्राम पर भी दसदा, बट इस गल का मैं फिर भी मैं खेद आता है कि मार्केट जी सा इंडस्ट्री है क्यों बदनाम हो रही है धड़ाधड़ करके। ओके जी, वंडरफुल सर। सर एक चीज़ मैं होर देखी है कि जिहड़े यूके वाले, यूएस वाले या कैनेडा वाले ये एजेंट्स ने, ये भी ना हम यूक्रेन ना इस्टैबलिश करने लिए मार्केट से ना मतलब पूरा खूब जोर लगा रहे हैं। मैडम सिंपल जी गल है, अज की डेट के जिहड़ा स्टूडेंट है ना, जो जिहड़ा माँ प्यो है, एक कोविड तो बाद जिहदी रिक्वायरमेंट रह गई है कि छोटे प्रोडक्ट की, वो सारे माँ प्यो इन्ने क चिंतित है, एक वरिड है अपने स्टूडेंट के फ्यूचर वास्ते, अपने बच्चों के फ्यूचर वास्ते, कि पैसे उत्थे दिए जिथे साडा घाटा ना हो, नुकसान ना हो। सो ये जिहड़े वड्डे वड्डे बोर्ड्स लगे सीगे हरेक मोड़ ते, किसी का 10 फुट का बोर्ड लगा, किसी का 15x10 का लगा, ये यूके कैनेडा वाले जिहड़े कंसल्टेंट सीगे अज यूक्रेन वालों तां तुर पे है, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट है छोटे प्रोडक्ट की। कभी कैनेडा बंद हो जाता, ऑस्ट्रेलिया तुहानू पता, यूके ने तुहाडे हाथ खिंच ले सीगे, सो रह की गया हरेक दे दफ्तर वास्ते यूक्रेन। दर्शकों, तुसी देखिया किवें स्पष्ट गल्लां कीतियां जा रहियां ने, जे तुसी भी VSS इमीग्रेशन नूं कंसल्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन ते साडे नंबर चल रहे ने, तुसी जल्दी इन्हां नूं संपर्क करो। सर जी, नैक्सट सवाल लै लैंदे आपां। अक्सर मैं देखिया कि बहुत सारे जिहड़े एजेंट्स ना और कंसल्टेंट्स ने, और मल्टीपल कंपनीज़ नूं लैके ना वीज़ाज वास्ते काम कर रहे ने, कि थोड़े नाल भी इस तरह या U4 यूक्रेन ते U4 कुछ होर भी है? हाँ जी मैडम, बेसिकली इदां है कि जिहड़ा VSS इमीग्रेशन है इत्थे, जे तुसी मेरा निकनेम च देखो उत्थे ते वीज़ा एक्सपर्ट जिहड़ा मेरा नाम खिताब मिलिया यूक्रेन का, बट जिहो जिहा स्टूडेंट आऊगा उहो जी सलाह देवांगे। जे अज कोई 2019 पास आउट बच्चा अपना यूक्रेन वास्ते मेरे तों सलाह लेना चाहुंदा, मैं कोरी ना करूँगा। इहदे मुताबिक जे मेरे कोल बाकी कंट्रीज़ दी ऑप्शन हैगियां, जिथे मेरे कोल कैनेडा, यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया वर्गियां कंट्रीज़ दी ऑप्शन हैगी, बट जिदा का तुसी टेस्ट जां जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा मिलेगा, ये मेरिया सलाहों के नाल आ। जे तुसी 6 बैंड लिते हुए आ, 1 चो 2 चो 3 चो 5.5 बैंड है, किसी भी इंग्लिश कंट्री से जाना चाहते हो, तो थोड़े को जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूके या कैनेडा दी या USA दी। मैं एक गल जरूर इस तुहाडे मंच ते क्लीयर करना चाहुंदा कि यूक्रेन जिहड़ा प्रोडक्ट है उहनू समझना पैना, यूक्रेन
कौन कौन जा सकता। देखो जी मैं अपने लाइफ के दसिया हो यूक्रेन 10 to 15 साल 17 साल वाला गैप बचा जा सकता। लोड़ इतने पुराने फंडा की नहीं है। अच्छा जी इतने बेसिकली समझ की लड़ है कि जाना किन्ने आ जो अनइम्पलॉयड है जोड़ा पिछले 10 साल 8 साल 5 साल तो पैसा कमाने के हक च नहीं है या पैसा जिन्हों मिलता नहीं पाया किसी तरीके या 10,000 12,000 8,000 लेके जो गुजारा नहीं हो रहा। अज वो बंदा कहता पे कि घट खर्चे के जो मेरे को यूरोप की ऑप्शन मिलती पी है तो मैं क्यों ना ट्राई करा। दूजी चीज़ जी साड़ी कंपनी जी प्रोवाइड करती पी है कि पहला एक निक्का पैसा नहीं ले रहे क्यों यूक्रेन वैसे साढ़े को क्लाइंट आते हैं क्यों स्टूडेंट साढ़े पसंद समझते अपनी जी जी कि असी ना पहला पैसा कोई लिया। अच्छा जी ना तो कोई हिडन चार्जेस दसे जो साड़ी एक बार कमिटमेंट होंगी स्टूडेंट के नाल असी रिटन प्रॉपर तरीके नाल देने एक एग्रीमेंट की कॉपी साढ़े दफ्तर एक एग्रीमेंट की कॉपी स्टूडेंट के कोल होंगी ताकि कल नूं कोई मतभेद ना हो जो पैसे लैण की वारी आती है। सो थोड़े जो क्वेश्चन से जवाब है कि मेरे को जी मेरी कंपनी है VSS इमीग्रेशन इतने हरेक स्टूडेंट वास्ते ऑप्शन ने जिथे यूक्रेन तो लैके USA तक कंट्रीज नाल असी डील करते हैं। बस शर्त यही है कि तुसी जे रिक्वायरमेंट पूरी करते हो हरेक कंट्री की तो VSS इमीग्रेशन थोड़े नाल वादा करता है जो साडा एक स्लोगन है वी वॉक ऑन कमिटमेंट। जे साडा जे सानू तुसी सारियां पुख्ता इनफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट पूरी करके दोगे तो साडा यह वादा तुहाडे नाल कि तुहानू वीजा जरूर दवावांगे। वेरी गुड जी तुसी सुनिया कि VSS इमीग्रेशन दे वर्क ऑन कमिटमेंट तो देर किस गल की जल्दी तो जो तुम संपर्क करना चाहते हो तो TV स्क्रीन पर साढ़े नंबर चल रहे हैं। सर जी अगला सवाल ले लेंगे हाँ UK के स्टडी वीजा आ रहे हैं विदाउट इंटरव्यू ये गल कि सच है। मैडम देखो मैं शुरू होने तो पहला शो शुरू होने तो पहला भी दस्या सीगा कि जिहड़ी गल साढ़े हाथ च होंदी है असी उस चीज़ नू मार्केट च जां न्याणियां दे सामने जां मां प्यो दे सामने ता लियांदे आ जे असी कुछ कीता हुंदा। सो रीसेंटली तुसीं मेरे फेसबुक पेज ते देख सकते हो विदाउट आयल्स विदाउट इंटरव्यू मुंडा सनमदीप सिंह सीगा फिरोजपुर का मुदकी पिंड है पिछे का वह निके जे पिंड का कि पिछड़े हुए पिंड का बच्चा जिन्होंने एक चंगी सलाह दी एक मिडल क्लास एवरेज फैमिली का बच्चा सीगा जिहदे माँ प्यो ने एक सुपना समझा के साडे दफ्तर आए थे कि बच्चे का वीजा आएगा औखा जी औखत आँदी बच्चे ये माँ प्यो भी आँदी है किसी ने 10-12 लाख का बजट रखा होंगे किसी ने 15 लाख का रखा होंगे बट सुपना जोड़ा होंगे कि विदाउट आयल्स वाकई सच्चा हो जाएगा कि नहीं। सो मैं दसना चाहना उस वर्ग के बंद या उस पिछड़े हुए इलाके के बच्चों कि जे तुहाडा भी सुपना है एक सनमदीप वांग जे असी सनमदीप का सुपना पूरा कर सकते हैं तो साडे च इन्नी क काबिलियत है असी तुहाडा भी सुपना पूरा कर सकते हैं। सो मैडम UK का स्टडी वीजा जो सा रीसेंट आया वो विदाउट आयल्स विदाउट इंटरव्यू आया। अच्छा जी वेरी नाइस। दर्शकों तुसी जे अपने सपनों पंथ लगाना चाहते हो तो जरूर कॉन्टैक्ट करो VSS इमीग्रेशन नू। और सर एक आखिर वाला सवाल ले लेंगे कितने आईलेट्स बैंड चाहिए ने? बेसिकली मैडम देखो सिंपल एक गल है जे तुसी किसी भी इंग्लिश कंट्री में जाना चाहते हो मिनीमम 6 बैंड रख लो। अच्छा। जे एक बैंड एक मॉड्यूल तो 5.5 बैंड कैनेडा तो वीजा करा के दूंगा जे दो मॉड्यूल तो 5.5 बैंड आते हैं थोड़ा UK का वीजा करा के दूंगा ऑस्ट्रेलिया का वीजा करा के दूंगा बट शर्त जो पूरी करांगे तां जाके तुहाडे वीजे आने हैं। मैं कल्ला कुछ नहीं कर सकता जे तुसी मेरे नाल चलोगे एक नाल एक 11 हो के थोड़े वीजे तक तुहानू जरूर लेके जाऊंगा। वेरी नाइस जी बहुत वधिया जी बहुत चंगा लग रहा है सर थोड़े नाल गल्ला करके। एक सवाल असीं होर लै लैंदे आ कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज पहले भी किए उत्थे दस्या गया कि बच्चों की इन्नी कु एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस उन्हां दी इंग्लिश जिहड़ी थोड़ी फ्लुएंट होनी चाहिए है तो यूक्रेन वास्ते भी असीं इही एप्लीकेबल हुंदा है। मैं ऑलरेडी दस दिंदा मैं डिटेल दे विच अज जिहड़ी काउंसलिंग है जिहड़ी मेरे कोल स्टूडेंट 1 by 1 आउंदे आ दफ्तर दे विच ते मैं उही काउंसलिंग तुहानू दस दिंदा 15 to 17 साल का गैप है जिस बच्चे का वो एलिजिबल है नो आयल्स नो इंटरव्यू ना कोई पुराने फंडा की लड़ ना तो झिझक की लड़ तुम 10वीं पास हो तो भी मैं थोड़ा यूक्रेन का स्टडी वीजा जो 101% की अश्योरेंस से तुम्हें दवाऊंगा। बस लड़ यही है कि एक बार मेरे नाल फेस टू फेस 1-to-1 करके तुम काउंसलिंग लेनी है काउंसलिंग जल्दा जो थोड़े डाउट्स है उत्थे बैठ के क्लीयर करा तो जो थोड़ा जोड़ा किसी भी सुनी सुनाई गल वाल ध्यान जाता है और डाउट एक दिमाग के क्लीयर होंगे है वो करके तुम अपने सुपने तो वांझे रह जाते हो। सो अपील ही कर रहा तुम इस शो के राही कि जे इदा दिन सुनिया सुनिया गलत थोड़े दिमाग के प्रभाव है उन्होंने क्लीयर करने वास्ते साढ़े दफ्तर जरूर नहीं सकते।
बिल्कुल जी, जे थानू भी बहुत सारे डाउट्स ने और समझ नहीं आ रहे कि कितने कंसल्ट करिए, तो तुसी जल्द तो जल्द VSS इमीग्रेशन नू संपर्क करो। मैं नंबर एक बार फिर तो बोल दिंदी हाँ, 9313293133 ते। बहुत वधिया लगा सुप्रीत जी थोड़े नाल गल्ला करके, और मैं उम्मीद कर दी है कि जो तुसी अगली बार साडे शो ते आंदे हो पक्का तुसी आओगे, इस काम जल्दी दोबारा बुलावांगे। तो एक और मैं उम्मीद कर दी हाँ कि असी चंगे रिजल्ट्स भी सुनांगे और जानांगे इन्हां तो। जी बिल्कुल मैडम, इस टाइम जिहड़ियां साडियां एप्लीकेशन है वो मैसी दे विच लगियां होईयां हैं, तो होपफुली उन्हां दे रिजल्ट्स वेरी सून अनाउंस करांगे। तो उम्मीद करदा नैक्सट शो जो थोड़े नाल करांगे उहदे च चंगे रिजल्ट दिखावांगे VSS इमीग्रेशन की टीम वालों। जी सर बिल्कुल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू समा दिता, थैंक यू।